नगर निगम के सदन भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती नगर निगम परिवार ने मनाया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश को आज़ाद कराने में बड़ा योगदान है। उस समय जब देश गुलाम था तब किसानों को अंग्रेजों द्वारा बहुत परेशान किया जाता था, तब गांधी जी ने आंदोलन चलाकर उनको आज़ाद करवाया, जिससे यहाँ के किसानों को काफ़ी राहत मिली। उन्होंने नमक आंदोलन चलाकर एक अच्छा कार्य किया। पहले विदेशों से नमक आता था जो कि बहुत महंगे दामों में बिकता था, इस फैसले को उन्होंने खत्म किया तथा खादी आंदोलन चलाकर खादी को बढ़ावा दिया। इस अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, हमारे नगर आयुक्त साहब ने बताया कपड़ा, रोटी कपड़ा और बादाम, तो कपड़ा था तब उस कफन मिलता था। महात्मा गांधी ने अभियान चलाया, कॉटन हमारे देश में होता है, अंग्रेज से ले जाता है, कपड़ा बनाकर हमें कंट्रोल से देता है मांगे दाम पर। उन्होंने कहा हम स्वदेशी को अपनाएंगे और उन्होंने सूत काटना शुरू किया और लोगों से आग्रह किया आप खादी का इस्तेमाल करिए, अंग्रेजों के वस्त्र को त्याग करिए, और एक अभियान चला, उसकी बहुत बड़ा सफलता मिली। मैं आप लोगों से कहूँगा कि महात्मा गांधी को सबसे बड़ी सम्मान होगा कि हम खादी के वस्त्रों को जरूर साल में एक दो जोड़ी अपने घर में ले जाए, इससे गरीबों को लाभ होता है, उनके घर में पैसा जाता है। बातें बहुत सी हैं, हमें एक याद है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक पेपर में छपा था, जब 65 का युद्ध शास्त्री जी लड़ रहे थे, एक महात्मा की तरह, एक दृढ़ संकल्प राजनेता की तरह, तो अपने स्क्रीन पर देख रहे थे कि कहां भारत कमजोर पड़ रहा है, कहां इसकी जरूरत है, उसका नेतृत्व भी कर रहे थे। और एक माँ के कार्यालय से न्यूज आया था कि माँ हमारे शास्त्री जी युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1669 में हुआ। उनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनकी माता का नाम श्रीमती पुतली बाई था। हमारे गुरुजन बिंदु उपस्थित है, देखिए हमारे दो महापुरुष जो देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, उनकी जयंती गोरखपुर नगर निगम परिवार, हमारे अधिकारी, हमारे उपसभापति, हमारे पार्षद यहाँ पर मिल करके मना रहे हैं। जैसा सरकार का निर्देश है हम लोग इस पर कर रहे हैं, और गांधी जी और शास्त्री जी के विस्तृत व्यक्तित्व पर हमारे सभी लोगों ने चर्चा की है, नगर आयुक्त साहब ने विस्तृत से बताया है कि इन्होंने देश के लिए क्या क्या किया। जो हमारे स्वतंत्रता के पहले जब अंग्रेज़ हमारे देश पर कब्जा किए थे तो हमारी प्राथमिकता थी कि हम अंग्रेज़ों से इसको आज़ाद कराएं, और इसमें हमारे लोगों को काफ़ी परेशानी थी, विशेषकर हमारे किसान भाइयों को जो नील की खेती करते थे उनको बहुत प्रताड़ित किया जाया था। गांधी जी ने अपने नेतृत्व में बिहार में आग आंदोलन चलाया और उनको इससे आज़ादी दिलाई, जिससे यहाँ के किसानों को काफ़ी राहत मिली। साथ ही साथ नमक आंदोलन चला करके देश के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया, हम बड़े ऊंचे दाम पर विदेशों से नमक मंगा कर खाते थे और अंग्रेजी शासन काल में हमें नमक बनाने की इजाज़त नहीं मिलती, इसको उन्होंने ख़त्म किया। साथ ही देश में कपड़े जो आते थे वो इंग्लैंड और अन्य देशों से आते थे और लोगों को
कपड़े नहीं मिलते थे, पहनने के लिए बात तो अलग है, अंतिम संस्कार के लिए भी कपड़े नहीं मिलते थे, उन्हें कोटे पर मिलता था और दो दो दिन तक डेड बॉडी पड़ी रहते थे। इसको गांधी जी ने अपना खादी आंदोलन चलाकर इस मिथक को भी तोड़ा और उन्होंने खादी आंदोलन से देश को काफ़ी लाभ हुआ, हमारा आर्थिक शोषण से मुक्ति मिली। शास्त्री जी 1965 की लड़ाई में हमारे देश के लिए बहुत ही शानदार काम किया था और हमने पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिए थे, ये शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम रहा। हमारे देश में शास्त्री जी के समय में पीछे भी अनाज की बहुत कमी थी, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। शास्त्री जी ने एक अभियान चलाया, जय जवान जय किसान, जवानों को जहां मजबूत किया वहां किसानों को भी मजबूत किया और खेती के लिए लोगों को भरपूर साधन उपलब्ध किया। साथ ही साथ एक आंदोलन और भी उन्होंने चलाया था और लोगों से कहा था कि आप हफ्ते में एक दिन भोजन न करें तो इससे काफ़ी अन्न बचेगा और गरीब लोगों को भी अनाज मिलेगा।